नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रीम न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मकराना की पूर्व विधायक एवं नागौर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत का शनिवार को मार्बल खानों की नीलामी अवधि बढ़ने पर खान मालिकों की ओर से अभिनंदन समारोह मार्बल बोर्ड खनन रेंज की सिसोदिया मार्बल खदान पर आयोजित किया गया। इस अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मकराना के पूर्व विधायक और नागौर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत मौजूद थे, जबकि समारोह की अध्यक्षता नगर परिषद मकराना के उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी द्वारा की गई। समारोह को संबोधित करते हुए गैसावत ने कहा कि राजस्थान सरकार आमजन के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिसके चलते मकराना की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा था। इस संकट को ध्यान में रखते हुए हाल ही में हुए बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मार्बल खदानों की नीलामी की अवधि बढ़ाकर 2040 कर दी गई है। खानों की और भी कोई समस्या हो उसका भी समाधान सरकार द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही नई खनन नीति में मकराना के लिए अलग से खनन नीति बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व खान मंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हर बार बजट में मकराना के लिए एक बड़ी सौगात दी जाती है, जिसके तहत सरकार के इस कार्यकाल में मकराना में राजकीय महाविद्यालय एडीजे कोर्ट सीवरेज का द्वितीय फेज उप जिला चिकित्सालय जैसी बड़ी सौगातें दी हैं। कार्यक्रम में नगर परिषद के उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी ने भी अपने विचार प्रकट किए और राजस्थान सरकार का आभार जताया। इस मौके पर बोर्ड रेंज के खान मालिक मोहम्मद अली सिसोदिया व मोहम्मद इकबाल सिसोदिया के नेतृत्व में अतिथियों का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मकराना नगर परिषद के पूर्व उपसभापति अब्दुल समद सिसोदिया, भामाशाह मोहम्मद अशफाक रांदड़, पार्षद नसीम भाटी, संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के उपाध्यक्ष जैनुल आबदीन चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। विधायक लाड़ से जाकिर हुसैन ने हटा दी है, 2040 हो गई है, आप बिल्कुल चिंता न करें, ये 2040 के बाद में कोई आपके ऊपर तलवार नहीं लटकेगी। कोई कहता है कि 2040 के